अपने आप में स्वाभिमान को समेटे हुए एक शब्द है, स्वाभिमान का पर्याय है मेवाड़। इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए ना जाने कितने राणा महाराणाओं ने अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दी है, पर स्वाभिमान से कभी समझौता यहाँ पर नहीं किया। आज मेवाड़ के दीवान कहे जाने वाले एकलिंग दीवान महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ अब हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी कुछ यादें हैं अंतिम यात्रा के लिए। जो जन सैलाब यहाँ पर आया, हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों के तमाम राजनेता यहाँ पर आए हुए हैं। प्रदेश के कुनबे के मुख्यमंत्री स्वयं भजन लाल जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी नम आँखों से महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आम जन कितना दुखी है, कितना हताश है, क्योंकि भले ही लोकतंत्र के माध्यम से जो राजतंत्र था, राजाओं को दी जाने वाली सुविधाएं जरूर खत्म करी थी, पर लोगों के दिलों में आज भी राणा महाराणाओं के लिए वही सम्मान हुआ करता था जो 1947 से पूर्व में यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि राणा महाराणाओं ने हमेशा से इस मेवाड़ के लिए कुछ ना कुछ किया है, अपनी कुर्बानियों से इसको सींचा है। तो उसी के फलस्वरूप लोगों की आंखें यहाँ पर नम है। आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप बताएं कि महेंद्र सिंह जी का जाना मेवाड़ के लिए कितनी बड़ी क्षति है। भैया अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मेवाड़ के गादीपति राजाधी राज और सबसे बड़ा हमने मेवाड़ का यानी महाराणा क्यों तो भी वही और वंशज सबसे पुराने वंशज, उनके जाने से इतना दिल को आघात पहुंचा है कि कुछ शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल सकते। जी सर, आप बताएं कि महाराणा साहब का जाना एकलिंग दीवान कहे जाते हैं, उनका जाना कितना क्षतिपूर्ण है इस मेवाड़ के लिए। मेवाड़ के महाराणा जो आज तक पुरानी परंपरा रही है रियासत काल से अभी तक, उसमें मेवाड़ के महाराणा जो रहे हैं उसमें एकलिंग जो दीवान के रूप में, ये एकलिंग जी के दीवान के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहे हैं और उन्होंने मेवाड़ की सेवा, जनता की सेवा के लिए बहुत कार्य किए हैं। और आज की समय में जो हमारे महाराज कुंवर ऋषिराज सिंह जी, अब महाराणा जो होंगे वो भी जनता के साथ में जुड़े रहेंगे और मेवाड़ के लिए जो कार्य महाराणा साहब ने किए हैं और आगे मेवाड़ का जो वर्चस्व है पूरे विश्व में विख्यात है मेवाड़ के महाराणाओं का। मैं खुद भी मेवाड़ के वंश से ही आता हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह राणावत है और हमारे को भी मेवाड़ की जागीरी जोलावास की जागीरी मिली हुई है, वहाँ से ही हम बिलोंग करते हैं। जी ठीक है, हर परिवार का सदस्य भी यहाँ पर दुखी है क्योंकि महाराणा साहब के व्यक्तित्व ऐसा था, वे खुद भी लोकसभा के सांसद भी रहे और उनके परिवार से उनके पुत्र विधायक हैं नादवारा से और उनकी जो बहू है वो राजसमंद से सांसद है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना पूरा वर्चस्व परिवार रखता था और लोगों के बीच में रहने का कार्य ये करते हैं, लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने का कार्य यहाँ पर करते हैं, तो लोगों की भावनाएँ काफ़ी आहत यहाँ पर हुई है। बताएं सर के महाराणा साहब का जाना एक क्षति तो है, इसको किस तरह से पूर्ति हो पाएगी और लोगों के अंदर जो जन भावना है आज बिल्कुल लोग व्याकुल हैं, उनकी आंखें नम हैं, तो किस तरह से देखते हैं। महाराणा साहब का शिक्षा, धर्म, राजनीति और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा है और मैं सोचता हूँ ये संपूर्ण मेवाड़ की बहुत बड़ी क्षति हुई है और इनके बाद के वंशधरों पर जिम्मेदारी है कि वो उस परंपरा को पालन करें, निभाएं। मैं महाराणा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। तो शहर विधायक ताराचंद जैन जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आप बताएं कि महाराणा साहब का इस तरह से जाना मेवाड़ के लिए कितनी क्षति है। ऐसा है कि हम उस मेवाड़ के वासी हैं कि जिन महाराणों ने इस देश के लिए बलिदान किया, सारे देश के अंदर अग्रणी रियासतों में ऐसा आता है। महाराणा महेंद्र सिंह जी जिन्होंने उस कुल परंपरा को आगे बढ़ाया और इसी यह वह मेवाड़ राजधरा है धारणा है कि सबसे पहले 527 या 37 रियासतों का जब विलीनीकरण हुआ था तो
महाराणा भोपाल सिंह जी ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के सबसे पहले हस्ताक्षर करके जी उसको विलय किया जी। और आज इस मेवाड़ राज घराने के इस समर्पण के लिए पार्लियामेंट के अंदर महाराणा भोपाल सिंह जी का चित्र है जी। महाराणा महेंद्र सिंह जी दो बार सांसद रहे हैं चित्तौड़ से जी। और हमेशा से आज हमारी विश्वनाथ सिंह जी सांसद है, उनकी पत्नी सांसद है, विश्वनाथ सिंह जी विधायक हैं और सांसद हैं। तो निश्चित रूप से महाराणा भगत सिंह जी जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, तो इस परिवार का हमेशा से हमारी पार्टी के प्रति हमेशा से सोच ठीक है, दिशा ठीक है और इसी विचारों को आगे बढ़ाए। तो पूरा परिवार राजनीति में भी कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा, सांसद खुद भी महेंद्र सिंह जी भी सांसद साहब रहे, आप बताएं किस तरह के व्यक्तित्व थे और उनका जाना कितना क्षतिपूर्ण है मेवाड़ के लिए। मेवाड़ के लिए आज वास्तव में बहुत क्षति हुई है और महाराणा साहब का जब भी आते थे आशीर्वाद मिलता था, वो बड़े प्रेम से और सबसे मिलते थे, बैठ के चर्चा करते थे और मेवाड़ और मेवाड़ी के संबंध में हमेशा बात करते थे, मेवाड़ी में बात करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आज वो चले गए, ये अपूर्णीय क्षति है मेवाड़ को, वो पूरे राजस्थान को, देश को जी, पूरे राजस्थान को, देश को अपूर्णीय क्षति यहाँ पर हुई है। धर्म नारायण जी जोशी साहब भी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि राजनीति में भी सक्रिय थे पूरा परिवार, अभी भी विश्वराज सिंह जी जो नादवारा से विधायक हैं, किस तरह का व्यक्तित्व थे और इनका जाना कितना क्षतिपूर्ण है मेवाड़ के लिए। मेवाड़ के गौरव संपूर्ण मेवाड़ में केवल क्षत्रिय समाज में ही नहीं, संपूर्ण समाज में आज जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, उनके स्वर्गवास के अवसर पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि महाराणा साहब को देता हूँ। हमारी मान्यता है कि मेवाड़ में महाराणा कभी महाराणा बन के नहीं रहे, वो भगवान एकलिंगनाथ के सेवक बन के रहे। उसी परंपरा को माननीय महेंद्र सिंह जी महाराणा साहब ने निभाया और उनकी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, मैं अनेक बार उनके व्यक्तिगत मेरे संबंध थे, अनेक बार जाता था, मुझे तो साफ कहते थे उस समय भी, क्योंकि चित्तौड़ से भीलवाड़ा से जब चुनाव लड़ा तो उसके बाद उनको राजनीति से घृणा सी हो गई थी मुझे लगता था। तो मुझे तो अनेक बार, मैं जब गया एक बार तो उन्होंने कहा, जोशी जी आप मेरे यहाँ आ सकते हैं परंतु किसी राजनीति को मैं अलाउ नहीं करता हूँ, आपको मैं राजनीति के मानता नहीं हूँ, ऐसा उनका प्रेम मेरे पर था, व्यक्तिगत आशीर्वाद था। अनेक बार पांडु कुमार शास्त्री का एक पुस्तक का विमोचन करवाया हमने, अमर रासों का, अनेक प्रसंगों पर उनको ले गया मैं, उनको मेरा एक सम्मान समारोह हुआ था उसमें महाराणा साहब आशीर्वाद देने पधारे थे जी। तो मैं सोचता हूँ मेरे पर व्यक्तिगत उनकी बड़ी कृपा थी और संपूर्ण मेवाड़ पर कोई भी जाता तो निश्चित रूप से एक पद की गरिमा को उन्होंने बनाए रखा। मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूज्य महाराणा साहब की आत्मा को भगवान अपने स्थान दे विनम्र श्रद्धांजलि प्रणाम नमस्कार। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पर उमड़े हैं और लोगों के मन की भावनाएं इस तरह से, लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी हताश हैं क्योंकि महाराणा साहब अब हमारे बीच में नहीं है। महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ की अंतिम यात्रा चल रही है, लोग लगातार यहां पर आते जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहां हैं, तो उदयपुर शहर का आम जन भी यहां पर आया हुआ है, अंतिम नम आंखों से अंतिम विदाई अपने महाराणा को यहाँ देना चाहते हैं। Thank you.
हर व्यक्ति की आंखें यहाँ पर नम है, अंतिम यात्रा पर है। महेंद्र सिंह जी, मेवाड़ आज उदयपुर के इसी पुराने अंदरूनी शहर से मुख्य मार्ग से होता हुआ गुजरे के उनकी अंतिम यात्रा का है सफर। लोग आप देख सकते हैं कि लोग बाग भी आए हुए हैं, आम जन अपने महाराणा को अंतिम बार देखने को ललचाते हैं, क्योंकि अब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी यादें हमारे साथ हैं। आम जन से काफ़ी जुड़ाव उनका था और मेवाड़ ने हमेशा अपने राणा महाराणाओं को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा है, तो वही सम्मान आज उनके प्यार के रूप में, अश्रु की धारा के रूप में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कितने व्याकुल हैं, लोग बहुत ही उदास मन से यहाँ पर आए हुए हैं।
विश्राम स्थाने भूत संगीत पिंड स्थाने गर्भासन जाता विश्रामस्थाने भूसंगपिण्डस्योपरि चन्दनं आगे पीछे जैसे आने वाला और साइड में बड़े जोड़ी तिलक स्तंभ और तुलसी पत्र मां पिंड को पूछ पड़ेगा बड़े जोड़ी तुलसी पत्र मां और बड़े जोड़ी चरण विद्या तक उपेंद्र से हो अना दीन विरोधी विषय चंद्र अक्षय कुंडलिया मुख्य को हुआ अना दीन जो एक बार आप छोड़ दिया अना दीन विरोधी विषय चक्र गदाधर अक्षय कुंडलिका मुख्य प्रभु बाबा हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि अजात शत्रु जो राज परिवार से भी काफ़ी जुड़ाव रखते हैं उनसे जानना चाहेंगे सर इस पूरे माहौल को लेकर किस तरह से देखते हैं मेवाड़ के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसके बारे में एक तो आज पूरा मेवाड़ जो है वो उदास है जी ऐसा लग रहा है ये जो आप चेहरे देख रहे हैं कितने मायूसी इन चेहरों पे इन्हें कहीं से बुलाया नहीं है इतनी भीड़ मैंने पहली बार यहाँ महासतिया में आप देखें कि ये जो छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पे ये सब राजघराने के जो जो बड़े योद्धा बड़े राजा महाराजा जो रहे हैं उनकी छतरियाँ हैं आज हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ किसी को बुलाया नहीं लेकिन पूरे मेवाड़ से लोग यहाँ आए हैं और ये असली लोकप्रियता है उनकी उन्होंने राजनीतिक जीवन में भी अपना जो काम किया है वो चाहे तार्किक राजनेता न रहे हों किंतु वो हृदय से जीते थे ज़िंदगी को जैसे कहते हैं सुलगते पत्थरों पर पांव रखकर मुस्कुराने वाले वो थे उनकी सहजता उनकी विनम्रता और जो बड़े लोग शालीन होते हैं ना जो बड़े लोग होते हैं वो अपना मिजाज नर्म रखते हैं तो उसी नर्म मिजाज की वजह से आज लोगों के दिलों में उनके लिए जो जगह है वो किसी मीडिया की मोहताज नहीं है माफ़ कीजिएगा आप वो बनाई गई जगह है एक तो होता है जगह बनाना और एक होता है जगह हड़पना तो जगह बनाने में उन्होंने दिलों में जगह बनाई है तो ये चीज़ जो है ये सदैव आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ये भी इसको याद रखेंगे और जब जब मेवाड़ के बारे में कभी भी जिक्र आएगा मेवाड़ के रियासतों मेवाड़ के राजघराने के बारे में तब तब महेंद्र सिंह मेवाड़ का नाम जो है वो स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखा जाएगा ऐसी मेरी मान्यता है मेवाड़ राज परिवार के सदस्य शिवरती घराने का डॉक्टर अजात शत्रु सिंह शिवरती सभी व्यूअर्स को क्षमा करें आज बड़ा दुखद दिन है और मेवाड़ के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बड़ा दुखद दिन है कि हमारे पूर्व महाराणा मेवाड़ राज परिवार के सदस्य हजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ आज दुनिया में नहीं है
कल देवलोक हुआ गए थे, उनका प्रोसेशन समोरबाग से शुरू हुआ और पूरे ओल्ड सिटी होते हुए विश्राम घाट, जो हमारे विश्राम घाट है जहाँ हम विश्राम कराते हैं बॉडी को, विश्राम घाट से फिर माँ सत्या जी यहाँ लाए हैं। अब माँ सत्या जी ने यहाँ इनका दाह संस्कार हुआ जगह चंदन की लकड़ी और सभी जो विधि विधान पूर्वक जो हमारे जो पुरोहित हैं उनके सानिध्य के अंदर ये अपना दाह संस्कार होगा। और ये जो जिस स्थान पर खड़े हैं माँ सत्या जी आयट, इसमें जितने भी महाराणा है पूर्व महाराणा उन सभी की जो छतरी यहाँ मौजूद हैं। अगर आपके पीछे देखें कि महाराणा संग्राम सिंह जी सेकंड की, महाराणा शंभू सिंह जी की, सभी की छतरियाँ यहाँ मौजूद है। और मैं आपको बता दूँ कि पूर्व महाराणा लेट हजूर महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ का 3 जून 1984 को देवलोक हुआ था, वो भी नवंबर का समय था। और आज जो महाराणा महेंद्र सिंह जी जो देवलोक हुए वो 10 नवंबर 2024 है। तो 1984 और 2024 के बीच में 40 साल का और 6 दिन का गैप है। और आज आप देख सकते हैं कि सभी धर्म संस्कृति के लोग इस उसके अंदर मौजूद हैं। सभी राव उमराव राजा महाराजा जो जितने भी पूर्व राजमार परिवार के सदस्य इसके अंदर मौजूद हैं और सभी आज अपने प्रिय महाराणा को, अगर प्रिय नेता या प्रिय एकलिंग दीवान को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित। एक मेरे मन में सवाल ये है कि महाराजा हैं तो उनका जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी स्पेशल हैं, तो क्या क्या मतलब थोड़ा सा हमारे राज परिवार की जो विधि विधान से जो पुरोहित जो होते हैं हमारे मेवाड़ राज परिवार के, वो आपका महाराणाओं के जो पुरोहित हैं वो उनका दाह संस्कार की पूरी विधि विधान पूर्वक करवाते हैं। और यही विधि विधान पूर्वक समोर में भी हुआ और विश्राम घाट में भी विधि विधान पूर्वक उन्होंने अपना पूरा समर्पण करके और यहाँ भी महासत्या जी के अंदर भी विधि विधान पूर्वक पूरी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका दाह संस्कार हुआ। एक सवाल हो रहे हैं कि जैसे महाराणा श्री हुजूर श्री का देवलोक गमन हो गया, अब उनकी गादी पर जो उन विश्वराज सिंह जी बिल्कुल विराजमान होंगे तो क्या प्रक्रिया और कितने दिनों में ये प्रक्रिया सम्पन्न होगी? वैसे देखा जाए तो 12 दिन होने के उपरांत ही ये सब चीज़ें होती है। 12 दिन का जो हमारा बैठक का नवमी का जितने भी जो हमारे जो प्रोग्राम है इसके अंदर उसको होने के बाद ही उनका राज तिलक होगा और वो महाराणा बनेंगे महाराज कुमार विश्वराज सिंह। मेरा नाम है शक्ति सिंह, मैं भूतपूर्व महाराणा भगवत सिंह जी के छोटे भाई महाराज नरेंद्र सिंह जी मेवाड़ का बेटा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस घर में मेरा जन्म हुआ और इसी कारण मैंने पूरा बचपन महाराणा महेंद्र सिंह जी के साथ गुजारा है। मैं काफ़ी वर्षों तक समोरबाग पैलेस में भी रहा उनके साथ और जो भी मैंने मेरे जीवन में महाराणा महेंद्र सिंह जी का देखा वो एक बहुत ही उच्च स्तर का है। उनका स्वभाव, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, वो एक बहुत असूल और प्रिंसिपल वाले इंसान थे। कोई अपने प्रिंसिपल और असूलों पे किसी भी हद तक जा सकते थे पर कभी उन्होंने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरा जीवन उनका, पूरा जीवन तो कहना सही नहीं होगा पर पिछले 40 वर्ष उनके जीवन के काफ़ी बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहे। जो भी है ये सौभाग्य है, डेस्टिनी है, उसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा बोलने का मतलब काबिलियत नहीं है मेरे में, पर वो बहुत ही एक नेक इंसान थे, बहुत जेंटलमैन किस्म के इंसान थे। कभी किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोलना, किसी से बदतमीजी नहीं करना, बहुत ऊंचा स्वभाव और कैरेक्टर था उनका। अब इस मौके पर इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, धन्यवाद। महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ राजतंत्र और लोकतंत्र का एक ऐसा समन्वय थे जिन्होंने सांसद के नाते भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। उदयपुर का राजघराना अपनी निष्ठा, समर्पण और देशभक्ति के लिए जाना जाता है, उसी परंपरा को महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उनका दुखद निधन हुआ है जिसकी
क्षति कभी की नहीं जा सकती, पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन केवल मेवाड़ नहीं पूरे देश में उनके निधन से लोगों को तकलीफ है। और हर व्यक्ति ने जिसने इस राजघराने की प्रशंसा कीर्ति सुनी है उसको सबको इस बात का बेहद गम है। मैं भी पार्टी परिवार की तरफ से आज उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने आया हूँ।